हवेली लखा में बिजली चोरों के खिलाफ 18 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में 21 लाख यूनिट की बचत हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ उस्मान अली से। जी उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, हवेली लखा में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SDO रूरल सब डिवीजन के साथ, उनसे जानते हैं कि अब तक कितने बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अब तक हवेली रूरल सब डिवीजन में 18 चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 4 पकड़े गए हैं, बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापे मार रही है। और अब तक 50,000 यूनिट जो चोरी है वो रिकवर हो चुकी है, लोगों से बिल की मद में पेमेंट हो चुकी है। जी जैसा कि आपने सुना कि SDO रूरल सब डिवीज़न का कहना है कि अब तक जो बिजली चोरी के बाद में लैंड लॉसेज के बाद में बचत हुई वो 21 लाख यूनिट हैं। 21 लाख जो यूनिट हैं वो सिर्फ 20 दिनों में रिकवर हुए हैं, और साथ साथ जो 18 बिजली चोरों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और उनसे अब तक जो रिकवरी हो चुकी है वो 23 करोड़ रुपए जो रनिंग रिकवरी है वो हो चुकी है। उन्होंने जो सार्फिन है उनसे वो बाज आ जाएं, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी।